आपके सामने एक पीके खड़ा है लेकिन पूरा बिहार पीकर मस्त है और नीतीश जी को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है। ये बातें प्रशांत किशोर जो एक रणनीतिकार हैं और एक वक्त नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रह चुके हैं, वो वैशाली के एक कार्यक्रम में बाकायदा बोल रहे थे और शराबबंदी का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि आपके सामने एक पीके खड़ा है लेकिन बिहार में जो है वो कई लोग पीके मस्त हैं और नीतीश जी को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है। और ये भी कहा लोगों से कि पहले एक कहावत कही जाती थी कि राजा जो है वो वेश बदल करके जाता था और पता करता था, तब उसे सच में पता चलता था कि उसके राज में क्या कुछ हो रहा है, और इसका जिक्र किया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार आम जनता से कट गए हैं, वो अपने ऑफिसर से घिरे रहते हैं और वो जो है सिर्फ अच्छाई बताते हैं। वो बताते हैं कि बिहार में जो है वो शराबबंदी बिल्कुल सफल है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हर कोई जानता है। तो प्रशांत किशोर अब खुल करके जो है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जेडीयू हो, उस पर हमला जो है अब वो खुलकर कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी पर तंज करते हुए कहा था कि बीजेपी सत्ता में इसलिए आई क्योंकि एक लहर बनी थी और लहर बनने में वक्त लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, और ये भी कहा था कि एक ऐसा लहर आएगा जिसमें सब जो है बह जाएंगे, यानी इस वक्त जो भी मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो सभी एक लहर में बह जाएगी, और इशारा किया कि वो लहर बनना है उसकी एक प्रक्रिया होती है। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लहर बनना है उसकी वो तैयारी में है, और बाकायदा वो कह भी चुके हैं कि अक्टूबर महीने से वो पैदल यात्रा करेंगे, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और जनता से जाकर के बातचीत करेंगे, बिहार के बारे में वो क्या सोचते हैं इसको लेकर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब कर दिया, वो कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर जानते हैं कि वो सुर्खी में कैसे बने रहेंगे, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे उस वक्त में, प्रशांत किशोर ने जेडीयू के संगठन में काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन अब नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया और ये बताया कि नीतीश कुमार जो है वो अब आम लोगों से कट गए हैं, वो राजा किस्म के आदमी हैं जो अपने ऑफिसर से घिरे रहते हैं, और शराबबंदी जो नीतीश कुमार की सबसे कमज़ोर नब्ज है उसको दबा दिया। ये हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार भले ही ये कहते हों कि न हम एक बूंद शराब किसी को पीने देंगे ना बेचने देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये हर किसी को पता है। शराबबंदी के नाम पर जो जेल में बंद हैं वो 70-80% जो है वो गरीब समाज का है, गरीब गुरबा है, दलित समाज का है, लेकिन जो बड़ा शराब माफिया है वो पकड़ में नहीं आता है। और ये हम नहीं कह रहे, बाकायदा हाई कोर्ट की टिप्पणी है, हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि क्यों ना माना जाए कि बिहार सरकार जो है वो एक षड्यंत्र के तहत, एक ग्रुप के तहत जो है शराब बिचवाती है, क्योंकि अगर सरकार नहीं मिली हुई है, ऑफिसर नहीं मिले हुए हैं, तो फिर जो है बड़ा से बड़ा शराब माफिया क्यों नहीं पकड़ा जाता है। तो ये हर कोई जानता है, ग्राउंड लेवल पे हर लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि शराब हर जगह मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सबसे कमज़ोर नब्ज़ को दबा दिया और ये कहा कि आपके सामने एक पीके खड़ा है लेकिन पूरा बिहार पीके मस्त है और नीतीश जी को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है। तो प्रशांत किशोर अब खुल करके जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उस पर हमला कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें सुर्खियां भी मिल रही है। वैशाली में लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी दरमियान उन्हें ये बातें कही थी। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।